नमस्कार मैं हूं शशि आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं नमस्कार मैं हूं शशि आज है 1 जनवरी 2023 आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर नौ बरस में झारखंड के लिए अच्छा होगा नया साल नया साल 2023 झारखंड के लिए अच्छा ही गुजरने वाला है आने वाले समय में कोई विशेष चिंता की बात नहीं है ये दावा है ज्योतिष शास्त्री पी एन चौबे का उनकी माने तो झारखंड की कुंडली सीघ्न लग्न की बनती है मिथुन राशि है ग्रहण दोष है कुंडली में चंद्रमा और राहु एक साथ हैं लेकिन सिंह लग्न में जो गुरु हैं उनकी महादशा चल रही है इसलिए प्रदेश के सियासी परिदृश्य अच्छा रहने वाला है बता दें नौ वर्ष दो का आगमन हो चुका है इन सबके बीच सभी के मन में जिज्ञासा इस बात की है कि नया साल झारखंड के लिए कैसा होगा झारखंड के नक्षत्र कैसे हैं ग्रहों की दशा और दिशा क्या होगी इन मानसिक उलझनों को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं बता दे नया साल राज्य के लिए अच्छा होगा बल्कि तरक्की के साथ कृषि उपज भी अच्छे होने की संभावना जताई गई है ज्योतिष पीएन चौबे की माने तो झारखंड की कुंडली सिग्नल लग्न की बनती है मिथुन राशि है और ग्रहण दोष है इनके साथ ही इन कुंडली में चंद्रमा और राहु एक साथ हैं लेकिन सिग्नल लग्न में जो गुरु हैं उनकी महादशा चल रही है इसीलिए झारखंड के लिए चिंता की बात नहीं है मौसम विभाग के अनुसार आज रांची में बादल छाए रहेंगे सुबह में धुंध भी रहेगी नए साल में प्रदेश में बारिश के भी आसार हैं बता दें चार और पाँच जनवरी दो को बारिश की भविष्यवाणी मौसम विभाग ने की है मौसम विभाग के मुताबिक चार और पाँच जनवरी को रांची बोकारो रामगढ़ हजारीबाग गुमला गुमलाखुट्टी पूर्वी सिंहभूम पश्चिमी सिंहभूम सिमडेगा और सरायकला खरसा में कहीं कहीं हल्के से दर्ज की बारिश होगी मौसम केंद्र ने अभी बताया है कि एक जनवरी से ही आसमान में बादल छाए रहेंगे इससे न्यूनतम तापमान में वृद्धि दर्ज की जाएगी वहीं अधिकतम तापमान में गिरावट आ सकती है <गणगा> आदिवासी बचाव महारैली 26 फरवरी को कुर्मी कुर्मी को आदिवासी बनाने की मांग के खिलाफ झारखंड के विभिन्न आदिवासी संगठनों ने पदाधिकारी प्रतिनिधियों और बुद्धिजीवियों की बैठक शनिवार को धूमकुड़िया सभागार करमटोली रांची में हुई इस बैठक में धनबाद बोकारो गिरिडीह पूर्वी सिमु, पश्चिमी सिंहभूम सरायकला खरसवा खुट्टी गुमला लोहरदगा रांची रामगढ़ हजारीबाग जिले के प्रतिनिधि शामिल हुए इस बैठक में विभिन्न भी आदिवासी संगठनों के सभी नेताओं ने अपने अपने महत्वपूर्ण विचारों और सुझावों को रखा इस बैठक में कई निर्णय लिए गए कुर्मी कुर्मी जाति के लोगों द्वारा आदिवासी बनने और षडयंत्र के खिलाफ हक अधिकार को बचाने के लिए 26 फरवरी 2023 को आदिवासी बचाओ महारैली रांची में आयोजित की जाएगी आदिवासी संगठनों का संयुक्त प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति और केंद्र सरकार के गृह मंत्री से मिलेगा पूरे झारखंड सहित को उड़ीसा बंगाल के विभिन्न जिलों स्थानों में सांकेतिक विरोध के रूप में पुतला दहन भी किया जाएगा झारखंड के मंदिरों और पर्यटन स्थल पर भीड़ को लेकर भारी सुरक्षा व्यवस्था नवपर्ष पर झारखंड की राजधानी रांची के, के मंदिरों और पर्यटन स्थलों पर भारी भीड़ जुटेगी इस बार न्यू ईयर रविवार को है इसलिए भीड़ ज़्यादा होगी प्रशासन ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए विशेष व्यवस्था की है मंदिर से लेकर पर्यटन स्थल तक सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं रांची के प्रसिद्ध पहाड़ी मंदिर में अरघा से जलाभिषेक की व्यवस्था की जाएगी बता दें बाबा सहित अन्य विग्रहों का विशेष श्रृंगार किया जाएगा सुबह साढ़े चार बजे मंदिर का पट खोल दिया जाएगा मंदिर के ऊपरी तल्ले पर जल की विशेष व्यवस्था रहेगी वहीं रांची के रातू रोड स्थित पहाड़ी मंदिर में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए रविवार को स्वयं सेवक व कार्यकर्ता तैनात रहेंगे जिला मजिस्ट्रेट के साथ महिला व पुरुष सुरक्षा बलों की भी तैनाती होगी नए साल के जश्न में डीजे वाहन पलटने से कोडरमा के तीन युवकों की मौत नए वर्ष के एक दिन पूर्व कोडरमा जिले के तिलैया डैम में दर्दनाक हादसा हुआ है यहां पिकनिक मनाकर लौट रहे एक डीजे वाहन के पलट जाने से तीन युवकों की मौत हो गई मृतकों की पहचान 20 वर्षीय विजय यादव 22 वर्षीय रंजन यादव एवं कुर्मी निवासी प्रेम जी यादव सत्रह वर्षीय पिता केदार यादव के रूप में की गई घटना में कुछ लोग घायल भी हैं हाँ। बताया जा रहा है कि डीजे वाहन का चालक नशे में धुत था इसी कारण डीजे वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया इससे दबकर तीन युवकों ने दम तोड़ दिया खरसावा गोलीकांड के शहीदों को आज श्रद्धांजलि देंगे सीएम हेमंत और अर्जुन मुंडा खरसावा के शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ मंत्री चंपाई सोरेन समेत कई मंत्री सांसद और विधायक खरसावा पहुंचेंगे जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दोपहर करीब एक बजे खरसवा पहुंचेंगे तथा शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे इसके बाद वे खरसावा के आमदा रोड में बनाए गए मंच से लोगों को संबोधित भी करेंगे वहीं केंद्रीय मंत्री स सा स्थानीय सांसद अर्जुन मुंडा समर्थकों के साथ रविवार की सुबह खरसावा पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे बता दें एक जनवरी को खरसावा गोलीकांड के शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाएगी स्थानीय विधायक दशरथ गगाई के नेतृत्व में शहीद दिवस की तैयारी जोरों शोर पर चल रही है पलामू के सरकारी स्कूल में स्मार्ट क्लास में छात्र छात्राओं संग मास्टर साहब ने लगाए ठुमके सरकारी स्कूल अपनी बदहाली के लिए जाने जाते हैं आए दिन ऐसे खबरें आती रहती है कि किसी स्कूल में पानी की सुविधा नहीं है तो कहीं बच्चों मिड डे मील नहीं खा रहे और बच्चे पेड़ के नीचे पढ़ने के मजबूर हैं तो सरकार सरकारी स्कूल पर लगे इस दाग को मिटाने के लिए कुछ बड़े कदम भी उठा रही है उसी में से एक सरकारी स्कूल को स्मार्ट क्लास बनाने की योजना है सरकार कई स्कूलों में क्लासेज को स्मार्ट बनाने का काम कर रही है लेकिन स्मार्ट क्लास को लेकर एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है बता दें हैदर नगर के सबसे बड़े विद्यालय कृत प्लस टू उच्च विद्यालय में सरकार ने स्मार्ट क्लास की सुविधा दी है लेकिन शायद मास्टर साहब को प्रशासन यह बताना भूल गई कि स्मार्ट क्लास में लगाई गई एलसीडी स्क्रीन को मनोरंजन के लिए नहीं बल्कि छात्रों को बेहतर शिक्षा दी जाए इस उद्देश्य से लगाई गई है डहरे टूसू पर निकली भव्य शोभा यात्रा बृहद झारखंड कला संस्कृति मंच की ओर से शनिवार को डहरे टूसू पर्व का आयोजन किया गया दुर्गा मंडप थान सराय ढेला से 50 से अधिक टूसू के नेतृत्व में शोभा यात्रा निकली हाथ में तिरंगा लिए लोग झूमते नजर आए महिलाएं बच्चे युवतिया यहाँ तक कि किन्नर भी टूसू गीत पर नृत्य कर रहे थे डहरे टूसू पर्व पर शोभा पर यात्रा रणधीर वर्मा चौक अम्बेडकर चौक राजू यादव चौक पूजा टाकीज़ सिटी सेंटर चौक होते हुए रणधीर वर्मा चौक पहुंची शोभा यात्रा अनुशासित यादगार आनंदमय बनाने के लिए झारखंड मूलवासियों को अपने आदि कुड़माली संस्कृति को दुनिया के सामने रखने और अपनी संस्कृति और गौरवान्वित होने के लिए आयोजित की गई ग्यारह हज़ार पारा शिक्षकों के सर्टिफिकेट की नहीं हो सकी जांच झारखंड के पारा शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच की तारीख शनिवार को खत्म हो गई है करीब पचास हज़ार शिक्षकों के सर्टिफिकेट की जांच पूरी हो गई जबकि ग्यारह हज़ार पारा शिक्षकों के सर्टिफिकेट की जांच अभी तक नहीं हो सकी बता दें स्कूली शिक्षा व स्वच्छता विभाग बच्चे पारा शिक्षकों के सर्टिफिकेट की जाँच की प्रक्रिया के लिए पंद्रह दिन बढ़ाने की तैयारी कर रहा है इसलिए शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के पास प्रस्ताव भेजा गया राज्य में इकसठ हज़ार पारा शिक्षकों के सर्टिफिकेट की जांच की प्रक्रिया अप्रैल से शुरू की गई है सितंबर तक जांच प्रक्रिया पूरी कर लेनी थी छह जनवरी से युवा महोत्सव का होगा आगाज़ युवाओं के आदर्श स्वामी विवेकानंद की जयंती पर मनाए जाने वाले राष्ट्रीय युवा दिवस पर झारखंड में युवा महोत्सव का आयोजन होगा यह महोत्सव छह से बारह जनवरी तक चलेगा लंबे समय बाद झारखंड राष्ट्रीय युवा दिवस पर महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है महोत्सव का आयोजन खेलकूद एवं युवा कार्य निदेशालय एनएसएस और नेहरू युवा केंद्र संगठन के सहयोग से पूरे राज्य में होगा इसमें स्पोर्ट क्विज भाषण निबंध और पेंटिंग प्रतियोगिता में 15 से 29 वर्ष तक के प्रतिभागी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे साथ ही साथ पहले चरण में छ और सात जनवरी को कॉलेज स्तर पर प्रतियोगिता होगी इसमें पहला और दूसरा स्थान हासिल करने वाले प्रतिभागी आठ और नौ जनवरी को विश्वविद्यालय स्तर पर भाग लेंगे वहीं विश्वविद्यालय स्तर के प्रथम दो प्रतिभागी दस और ग्यारह जनवरी को रांची में स्टेट चैंपियनशिप में भाग लेंगे धन्यवाद